A big round of applause for Mr. Hafiz Mohammad Usman Attari Saab, the principal of Stenographers Academy. वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। दुनियाए रंगभूमि में जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल की गई हैं, उस सब में सबसे खूबसूरत और बेहतरीन किताब कुरान मजीद है। मैं दावत देना चाहूँगा हाफिज़ गुलाम मुर्तज़ा साहब को कि वो आएँ और तलावत कुरान पाक से हम सब के दिलों को पुरमनवर करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان سبحان الله فبأي آلاء ربكما फटाफट कार्डिंग सेटिंग के मैं पॉज करूंगा फोन एक आधे लड़के को उठा के ना ठीक है मैं आपको जी हट के बता रहा हूं तेज मिल के बनी फी मी मन कुल फकीनतिन जौजा
सेंटर में आना नबीयुल करीमुल अमीन। अल्लाह सुभान व तआला के बाद जो पाक हस्ती काबे तरीफ है वो हम सब के आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादा है। बेशक मैं नाते रसूल मकबूल के लिए दावत देना चाहूँगा हाफिज हारून भट्ट साहब को कि वो आए और चंद नातिया शारख के साथ हम सब के दिलों को मुस्तफीद करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? आवाज़ आ रही है इसके साथ? सही है।
अच्छा जी, कौन बताएगा व्हाट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट? किसी को पता है आज का जो हमारा सेशन है स्ट्रेस मैनेजमेंट? अच्छा, मेरी एक बात आपने याद रखनी है, जब हम किसी चीज़ के लिए मैनेजमेंट का वर्ड यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम उस चीज़ का खात्मा नहीं कर सकते, और जिस चीज़ का हम खात्मा नहीं कर सकते उसे हम मैनेज करते हैं। मिसाल के तौर पे बारिशें होती हैं, आपके रोड्स पे कितना पानी खड़ा हो जाता है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि बारिश हो ही ना, आज के बाद बारिश होना बंद हो जाए? पॉसिबल है? कुछ भी कर लें, कोई ऐसा सोल्यूशन कोई पॉसिबल नहीं है। तो हम जो बारिश का पानी है उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, फिर अपने सीवरेज सिस्टम को बेहतर करते हैं, ठीक है ना। यानी हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते, बारिशें होनी है, जलजले आने हैं, सैलाब ने आना है, इसको रोक तो नहीं सकते। तो गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं जो इसको मैनेज करते हैं। इसी तरह स्ट्रेस हम सब की लाइफ में आना ही आना है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस ना आए। जो शख्स इस दुनिया में पैदा हो गया है उसका सामना स्ट्रेस के साथ होना है, और मरते दम तक डिफरेंट लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस पे आपको इसका सामना करना पड़ता है। तो आज के सेशन में हमने यही सीखना है कि हमने स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूँ कि स्ट्रेस जो है वो इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि स्ट्रेस शायद एक बीमारी है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस का आपके अंदर होना वो अच्छा होता है, वो आपको मोटिवेट करता है। मिसाल के तौर पर जैसे एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस है, अगर आप एग्ज़ाम का स्ट्रेस लेते हैं तो आप पढ़ते हैं ना, आपको पता है कि अगर ना पढ़ा तो फिर क्या आएगा, सप्ली आ जाएगी ना। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं एंड पे देख लवांगे, तो फिर एंड पे सारे देखते हैं, जब तीन सप्लियाँ आती हैं ना फिर आप अकेले नहीं देखते, फिर घर वाले भी देखते हैं और मोहल्लेदार भी देखते हैं, जो जो इंतज़ार कर रहे होते हैं आपकी तीन सप्लियों का वो सारे रिश्तेदार भी देखते हैं, देखते हैं कि नहीं देखते। तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना आपकी लाइफ में अच्छा होता है, ठीक है ना। स्ट्रेस आपकी लाइफ में आता है, आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते। मिसाल के तौर पर आप अपनी एग्जाम्पल ले लें, आप सब एग्ज़ाम्स देते हैं तो जब रिजल्ट आता है तो कुछ लोग फेल हो जाते हैं ना, तो जब फेल होते हैं उनको स्ट्रेस होता है कि नहीं होता? अच्छा, अगर पास हो जाते हैं नंबर कम आ जाए फिर क्या होगा, स्ट्रेस होगा। अच्छा, नंबर अच्छे आ जाते हैं नौकरी नहीं मिल रही, स्ट्रेस है। जॉब मिल गई है सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही, स्ट्रेस है। अच्छा, सैलरी इंक्रीज हो गई है शादी नहीं हो रही है, स्ट्रेस है। अच्छा, शादी हो गई है अब भी स्ट्रेस है, अब ज़्यादा स्ट्रेस है। अच्छा, शादी करीब आ रही है, ठीक है ना, अब हस्बैंड जो है वो वाइफ को शॉपिंग पे नहीं लेके जा रहा, दो दिन रह गए शादी में, अब वाइफ को स्ट्रेस होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, अब हस्बैंड ले जाता है वाइफ को शॉपिंग कराने के लिए, अब क्या होगा, अब वाइफ का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, हस्बैंड का शुरू हो जाएगा, उसका अच्छा हो रहा है ना। यानी बताने का मकसद है आपको स्ट्रेस का सामना रहता ही है। बाद बात ऐसे होता है, आप घर में होते हैं अचानक से मेहमान आ जाते हैं, ज़्यादा गेस्ट आ गए, ठीक है ना, आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं, तो क्या होता है, स्ट्रेस में चले जाते हैं, मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जेब में टका नहीं है, अब आप कहेंगे यार 10-12 गेस्ट आ गए हैं, अब उसको मैं कैसे मैनेज करूँगा, प्रॉब्लम हो जाती है। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जिनको पब्लिक से फेयर होता है, अब मैं उसको यहाँ खड़ा कर दूँ और कहूँ कि चलें यार भाई आप तरीक आज आपने तकरीर करनी है मेरी जगह पर, तो बेचारा स्ट्रेस में चला जाएगा कि नहीं जाएगा? यानी आपको लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट किस्म के स्ट्रेस को फेस करना पड़ता है, इसलिए इसको जो है मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, यहाँ पे अब एक और चीज़, ये तो हो गया जो स्ट्रेस आता है, अब कुछ लोगों को आदत होती है छोटी छोटी बातों को बड़ा बना के स्ट्रेस लेने की, मकनातीस की तरह होते हैं, ठीक है ना, वो राह जाना भी स्ट्रेस के अंदर, इधर आगे से चलना है मेरे को। मिसाल के तौर पे अब आप में कोई आपका दोस्त बैठा, मुझे लग रहा है काम नहीं कर रहा यार, जैसे आप में कोई आपका दोस्त बैठा हुआ है, ठीक है, अब बड़ा परेशान है, स्ट्रेस में है फुली, आपने पूछा भाई क्या हुआ है आज तेरा मुंह बड़ा उतरा हुआ है, स्ट्रेस में लग रहा है, अब उसका आगे से जवाब क्या है, कहना यार आज बड़ा मनहूस दिन है। आपने पूछा क्यों मनहूस दिन क्यों है, कहता कल मैंने मोबाइल का प्रोटेक्टर नया डलवाया था आज सुबह टूट गया। अब बंदा पूछे ये प्रोटेक्टर टूटा कोई इतना बड़ा इशू तो नहीं है, छोटा सा है। अच्छा, दोस्त ने कहा साथ वाले चल छोड़ दफा कर आजा खाना खाने के लिए चले, कहता नहीं आज नहीं कल जाएंगे, कहता आज क्यों नहीं, कहता आज मोबाइल का प्रोटेक्टर टूट गया। उसने सारा दिन उस बात को लेके ना रगड़ते रहना बस कि मेरा मोबाइल का प्रोटेक्टर टूट गया। नहीं, ऐसे लोग भी होते हैं, छोटी छोटी बातों, बताने का मतलब है कि छोटी छोटी सी बातें भी होती हैं ना, उसको भी इतना बतंगर बना के सारा दिन स्ट्रेस लेते रहते हैं, ऐसे लोग भी हमें पाए जाते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है हमारा, हमने ये देखना है कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है। उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना, आपने कभी भी स्ट्रेस को प्रॉब्लम समझ के फेस नहीं करना, ये एक ट्रिक याद रखना आपने, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को प्रॉब्लम समझ के फेस करते हैं ना, तो फिर आप उस प्रॉब्लम के नीचे दब जाते हैं और नुकसान उठाते हैं। इसके बरक्स अगर आप चैलेंज समझ के डील करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर आप चैलेंज को पूरा करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आप में से किसी स्टूडेंट को यहाँ पर खड़ा करूँ और उसके हाथ में 20-20 किलो के आटे के तोरे रख दूँ, क्या नतीजा निकलेगा? स्ट्रेस तो होगा, नीचे गिर जाएगा बेचारा,
नीचे गिरेगा तो चोट भी लग सकती है। इसके बरक्स अगर मैं आपको जिम में ले जाऊं एज अ ट्रेनर के तौर पे आपके हाथ में एक रॉड पकड़ाऊं और 20-20 किलो की दो प्लेट्स डाल दूं साइड पे, अब क्या होगा? आप तो नहीं गिरेंगे। अब फ़र्क क्या है? आप जब मैंने आटे के तोरे आपके हाथ में पकड़ाए आप उसको प्रॉब्लम समझ के फेस कर रहे थे, लेकिन जब मैंने रॉड रखा और साथ दो प्लेट्स 20-20 किलो की ही डाली हैं, अब आप उसको चैलेंज समझ के डील कर रहे हैं। अब आप गिर नहीं रहे, आपकी कोशिश पूरी है कि जहाँ मैंने 7 रैप निकाले मैं 10 निकाल लूँ। अब उसका नतीजा क्या निकलेगा? आपके मसल्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। यानी आप जब आप स्ट्रेस को प्रॉब्लम के बजाय चैलेंज समझ के डील करते हैं तो आप ग्रो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो हमने आज क्या सीखा कि स्ट्रेस को आपने प्रॉब्लम के बजाय क्या समझ के डील करना है? चैलेंज समझ के डील करना है। अच्छा, अब हम कुछ इश्यूज डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से हमारी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस आता है, साथ साथ हम उसका सोल्यूशन भी देखेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, किस तरह हम उसको टैकल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो सोशल इश्यूज़ हैं कुछ हमारे। अब सोशल इश्यूज़ जो हैं वो घरेलू भी हो सकते हैं, आपके ऑफिस के भी हो सकते हैं। घरेलू मिसाल के तौर पर किसी बहन भाई से झगड़ा हो जाता है, अगर मैरिड है तो मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, ठीक है ना। इसी तरह आप ऑफिस में हैं, पता लगा जी बॉस की ट्रांसफ़र हो गई है, अब आपको स्ट्रेस रहेगा कि यार नया बंदा आएगा पता नहीं कैसा है, उसके साथ सेटिंग होती है या नहीं होती। तो इस किस्म के जो स्ट्रेस हैं जो आपको फेस करना पड़ते हैं, मिसाल के तौर पर शादीशुदा हैं, घर आए पता लगा जी अम्मी की वाइफ के साथ लड़ाई हो गई है, अब स्ट्रेस होगा। अब यहाँ पे भी देखें, अगर यहाँ पे आप प्रॉब्लम समझ के डील करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? वाइफ की बात सुनेंगे तो जाके वालदा के साथ झगड़ा करेंगे, वालदा की सुनेंगे तो फिर जाके वाइफ से झगड़ा करेंगे। लेकिन अगर चैलेंज समझ के डील करेंगे फिर आप ये सोचेंगे कि अब मैंने वाइफ को कैसे समझाना है और वालदा को कैसे मनाना है, फ़र्क आ गया दोनों चीज़ों में। अगर इसी तरह आप अपने घर को मैनेज करते रहे तो आप स्ट्रेस से बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे, आपकी लाइफ में सुकून आ जाएगा, अच्छे तरीके से मैनेज होना शुरू हो जाएगा, लड़ाई झगड़े वगैरह ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आपने दो चीज़ें करनी है, अपने अंदर दो चीज़ें लेके आनी है, एक एक्सेप्टेबिलिटी और एक अडेप्टेबिलिटी। चीज़ों को सबसे पहले एक्सेप्ट करना है, उसके बाद उसको अडेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट क्या करना है? आपको पता है आपके बॉस सख्त हैं, बात बात पर गुस्सा करते हैं, आपको पता है आपका हस्बैंड सख्त है, या वो आप आती हैं घर तो वो कहता है, वो घर आता है तो वो कहता है टाइम पे मुझे खाना मिलना चाहिए, या सास बाजू का सख्त होती है, वो जगह जगह पे कूड़ा क्रिकेट पसंद नहीं करती, मतलब डिफरेंट किस्म के इश्यूज होते हैं। तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। जब आप देखें ना, बात दो चीज़ें हैं, अगर तो आपने नौकरी करनी है पहले तो फैसला कर लेना करनी है कि नहीं करनी, जब करनी है तो फिर झगड़ा किस चीज़ का है? फिर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना कि वो सख्त है, उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको जब वो बार बार गुस्से होगा ना आपको, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है उसकी नेचर ही ऐसी है और नेचर आप किसी की बदल नहीं सकते। यानी आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, आपको पता है मेरी सास सख्त है, मेरा हस्बैंड थोड़ा सख्त है, एक्सेप्ट कर लें जब घर बसाना है, फिर उसमें झगड़ा किस चीज़ का है? अब यही सोचेंगे कि मैं अगले बंदे को बदल दूँ उसको, तो फिर ये तो नहीं हो सकता, कोई नेचर अपनी नहीं बदलता। उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करेंगे तो आधा आप सुकून में आ जाएंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है? अडेप्ट करना है। आपको पता है कि मैं लेट जाता हूँ तो बॉस जो है वो नाराज़ होते हैं, खुद वो 9 बजे टाइम पे आ जाते हैं, तो आप टाइम पे जाना शुरू कर दें, ठीक है ना। आपको पता है कि फॉर एग्जांपल जैसी हमारी यहाँ पे बहनें बैठी हैं, अगर कोई ऐसे घर से जाती हैं आगे शादी होती है इनकी, जहाँ पे वो पर्दा पहले नहीं करती थी, अब नई जगह पे गए हैं तो वहाँ पे जी पर्दे की बड़ी शक्ति है, हिजाब की शक्ति है, तो आप उस चीज़ को अडेप्ट कर लें। अडेप्ट कर लेंगे तो इजी हो जाएगा ना, बजाय कि आप झगड़ा करेंगे जी मैंने नहीं करना। यानी चीज़ों को एक्सेप्ट करके जब आप अडेप्ट कर लेंगे तो आधी आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो इश्यूज होते हैं जो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, और तकरीबन हम में से हर दूसरा बंदा उसका शिकार होता है। अब उसमें यह भी हो सकता है नौकरी का ना मिलना, या नौकरी मिली है तो उसके बाद नौकरी से निकाल दिया गया है, या कारोबार में नुकसान भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि बाज़ुकात स्ट्रेस की वजह ना हम खुद होते हैं, जैसा कि MBA कर लिया लेकिन एक जॉब एप्लीकेशन नहीं लिखना आती हमें, अब कौन आपको नौकरी देगा? अब मैंने अगर यहाँ पे टीचर रखना है कोई, उसको टीचिंग नहीं आती तो मैं कभी उसको यहाँ पे रखूँगा? हर बंदे की कोशिश होती है, हर कंपनी की कोशिश होती है मुझे अच्छा बंदा मिले, तो जब टैलेंट ही नहीं है आपके पास तो इस स्ट्रेस जॉब आपको आपके टैलेंट ना होने की वजह से स्ट्रेस आया, इसकी वजह आप खुद बने हैं ना, आपने मेहनत नहीं की। हाँ, अगर आपने मेहनत भी की है, सब कुछ किया है, मार्क्स भी अच्छे हैं, आपको हर चीज़ आती है, ग्रिप है हर चीज़ पर, फिर भी आपको अब जॉब नहीं मिल रही, तब उसका क्या, उसकी वजह से स्ट्रेस में तो जाएंगे ना, अब उस स्ट्रेस से कैसे आपने बाहर निकलना है? तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपका रिज़्क मुकर्रर कर दिया है हर एक बंदे का, वो उसी वक्त पे मिलना है जब लिखा हुआ है, और जितना लिखा हुआ है उतना आपको मिल के रहना है। कहते हैं ना कि रिज़्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मौत इंसान को तलाश करती है, सिर्फ बात है तवक्कल की, और
एक जगह पे तो मेरा ख्याल हदीस पाक है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह पाक पे ऐसे तवक्कल करे कि जैसे तवक्कल करने का हक है, तो अल्लाह पाक उसे वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। लेकिन अब इशू ये है कि हम लोगों को ना शुक्र अदा करना नहीं आता, हम लोगों को सिर्फ शिकवा करना आता है। हम लोग बात बात पे शिकवा करते हैं कि मुझे फ़लानी चीज़ नहीं मिली, मुझे फ़लानी चीज़ नहीं मिली। यहाँ पे मैं ये भी बात ऐड करूँगा कि कभी अपनी खुशियों को ना चीज़ों के साथ एसोसिएट ना करें। जैसे आप सोचते हैं कि जॉब मिलेगी तो ही मैं खुश हूँगा, ठीक है ना, मेरी फ़लानी लड़की से शादी होगी या फ़लाने लड़के से शादी होगी तो ही मैंने खुश होना है। तो हमने चीज़ों को एसोसिएट कर लिया ना, अब जब तक वो चीज़ नहीं मिलती तब तक हम परेशान हैं, तब तक हम खुश नहीं हैं। अच्छा जी, माली का क्या काम होता है? माली का काम पानी लाना, भर भर मशका लावे। तो इंसान का काम सिर्फ इतना है। प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब हम अपना काम छोड़ के दूसरे काम में इन्वॉल्वमेंट शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने आपसे मेहनत मांगी है, नतीजा तो नहीं मांगा। हम मेहनत छोड़ देते हैं तो हम नतीजे की तरफ ध्यान देना शुरू कर देते हैं। अगर माली ये सोचना शुरू कर दे कि फसल कैसे उगेगी, कितनी उगेगी, कितना मुझे मुनाफा होगा, तो इन चीज़ों पे उसका कंट्रोल है। तो जिन चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं होगा, अगर उसके बारे में सोचेंगे फिर क्या होगा, स्ट्रेस में जाएंगे। तो जो आपका काम है ना, आपने वही करना है। अब अक्सर आप लोगों में से बच्चे अक्सर आके वो एक आधी कोई जॉब आई हो, अब ये पीछे फाकी मौसी में आई हुई थी एक पोस्ट स्टेनोटाइपिस्ट की, तो बच्चे आके कहते हैं सर जी एक ही पोस्ट है, अब क्या बनेगा, एक पोस्ट में हम कैसे होंगे। तो मेरा आपको ये कहना है कि एक पोस्ट है ना, उस पोस्ट में खाली तो नहीं जाना, उस पर किसी कैंडिडेट का रिक्रूट होना है ना, क्या खाली जाएगी, रिक्रूट होगा, तो वो एक आप क्यों नहीं है, आप ये क्यों नहीं सोचते। देखिए अपॉर्चुनिटी सबके लिए जो है वो इक्वल होती हैं। आपने बैलून्स देखे हैं, एक बैलून वो होता है जिसको हम छोड़ें तो वो हवा में चला जाता है, एक बैलून वो होता है जिसको हम छोड़ते हैं तो वो ज़मीन पे आ जाता है। अब फ़र्क क्या है दोनों में, बाहर का एनवायरनमेंट सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, इंटरनल हमारे अंदर से मसला है। तब्दीली हमेशा अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती, सोच को बदलना पड़ेगा। अच्छा, पानी बॉईल करते हैं हम, उसके अंदर आलू डालें तो वो क्या होता है, नरम हो जाता है, और अंडा डाल लें तो, अब उसमें भी बाहर से पानी एक जैसा ही था, इक्वल था, ठीक है ना, लेकिन फ़र्क क्या था, आपके अंदर से। बाहर की अपॉर्चुनिटी सेम है, एक पोस्ट आई है ना, वो आपके लिए भी एक है, आपके लिए भी एक है, सबके लिए एक है। ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए वो दस के बराबर है या इसके लिए एक है, सबके लिए इक्वल है ना, तो वो एक आप होने चाहिए जिसने उसके उसके ऊपर रिक्रूट होना है। यानी इस तरह अपनी आपको सोचने सोच को अपनी बदलना है आपने। अच्छा नेक्स्ट, अब इसका सलूशन हमने देखना है कि फाइनेंशियल क्राइसिस से हमने कैसे निकलना है, इस स्ट्रेस से हमने कैसे निकलना है। तो नेक्स्ट आपने काम क्या करना है, सदका दिया करें। सदका जो है वो रिज़्क़ को बढ़ाता है। यहाँ पे मुझे हज़रत राबिया बसी रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो है ना एक वाक़या याद आता है। अब वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन मैं उसका लबो लबाब आपको बताता हूँ। आप एक दफ़ा बैठी थी अपनी एक खादिमा के साथ, खाना खाने लगी, एक ही रोटी थी आपके पास, दरवाज़े पे दस्तक हुई, तो जब देखा खादिमा ने जाके तो वो कोई मांगने के लिए आया, खाना मांगने के लिए आया। उसने आके अंदर बताया, आपने कहा ये एक रोटी जो है ना जाके उसको दे दो, एक ही दिखा, खादिमा ने कहा एक ही रोटी है ये भी उनको दे दे, आपने कहा जाओ जाके दे दो, दे दी उसको। थोड़ी देर के बाद जो है ना वो दस्तक हुई, एक बंदा आया, एग्जैक्ट मुझे फिगर नहीं याद, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। वो आया बंदा, जब दरवाज़ा खड़काया तो रोटियाँ लेके आया, तीन रोटियाँ थी वो। आपने फरमाया कि वापस भेज दो, ये मेरे लिए नहीं, अल्लाह ने भेजी। वो खादिमा बड़ी हैरान हुई, उसने कहा अच्छा चलो वापस दे दी जाके। थोड़ी देर बाद दोबारा जो है वो दरवाजे पे दस्तक हुई। अब फिर बंदा आया, वो सात रोटियाँ लेके आया। अब आपने कहा नहीं ये भी मेरी नहीं है, वापस ले दो। वो खादिमा फिर बड़ी परेशान हुई, लेकिन हुक्म था, जाके वापस कर दी। अच्छा थोड़ी देर बाद फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, अब जो आई ना वो दस रोटियाँ थी। अब जब उसने आप बताया ना, उन्होंने पूछा कितनी है, उन्होंने कहा दस है, उन्होंने कहा ये हमारी है ले आओ। यानी उनका तवक्कल था अल्लाह की ज़ात पे। अल्लाह पाक ने क्या कहा कि एक रुपया मेरी राह में खर्चोगे मैं उसके बदले कितने दूंगा, दस दूंगा। तो आपका इतना पुख्ता ईमान था अल्लाह की ज़ात पे कि जब तीन आई सात आई आपने नहीं ली, जब दस आई आपने कहा ये मेरा है, क्योंकि मेरे अल्लाह ने कहा था कि मैं दस दूंगा। यानी इस तरह आपका अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल होना चाहिए और सदका खैरात किया करें। इसलिए इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब ही करते हो। आप जैसे स्टूडेंट भी हैं, पॉकेट मनी तो मिलती है ना सालों को। जैसे मैंने एक वो अपने शॉर्ट क्लिप में भी बताया था कि 5% सिर्फ, यार 5% कितना होता है, थोड़ा सा होता है, ज़्यादा नहीं होता। अल्लाह की राह में खर्च कर देंगे, पॉकेट मनी में से कर दिया गया खर्च, फिर आप देखें आपके रिज़्क़ में बरकत कितनी ज़्यादा होती है, सिर्फ 5%। अब देखें अल्लाह ताला जो है ना वो आपकी नीयत देखता है, क्वांटिटी देखी जाती है अल्लाह की बारगाह में। अब जो 5 करोड़ में से 5% दे रहा है ना, और जो आप 1000 रुपये में से 5% दे रहे हो, वो आपके लिए उसकी वैल्यू अमाउंट की उतनी ही है।
आपके लिए अभी इस टाइम आप स्टूडेंट हो, आपके लिए 1000 भी तो करोड़ों के बराबर है ना। जो करोड़ में से 5% दे रहा है, आप जो 1000 में से 5 दे रहे हो, बात उधर ही है। और दिल में उन्हें ही कुछ होता जिंदा उन्हें दिल में कुछ होता है। समझिए मेरी बात। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपनी आदत बना लें, जब भी आप घर में दाखिल हो ना, सबसे पहले आपने जो है वो दुरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद आपने कुल हुवल्लाहु अहद पूरी पढ़नी है, ठीक हो गया, सूरतुल इखलास। अब यहाँ पे मुझे एक बड़ा अच्छा याद आ गया, दुरूद के साथ ना सलाम भी पढ़ा करें। वो मैं साकिर मुस्तफ़ाई साहब का एक सुन रहा था, आपने कहा कि दुरूद पढ़ो तो सवाब मिलता है, ऊंची पढ़ना मेरे साथ, दुरूद पढ़ो तो सवाब मिलता है, सलाम पढ़ो तो जवाब मिलता है। अब जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह दें कि वालेकुम अस्सलाम, ओदी ते कश्ती पार लग गई कि नहीं लग गई, तो आज से ही आपने रूटीन बना ली, जब भी घर जाना, इससे मैं इसकी बरकत फजीलत इसकी पा रहा था, यहाँ तक लिखा हुआ था कि इससे आप नहीं बल्कि आपके जो मोहल्लेदार हैं वो भी अमीर हो जाते हैं, इतना इसका असर है इस वजीफे का। घर में जाते पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है, अस्सलातु वस्सलाम अलैका पढ़ ले पूरा, ठीक है, उसके बाद एक दफ़ा कुल शरीफ आपने पढ़ लेने की आदत बना ले अपनी। जब मैं अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं कि घर में कोई है तो उसको आपने सलाम करना है, नहीं कि आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए दुरूद पाक पढ़ें, कोई घर में नहीं भी है, घर खाली है तो आप पढ़ें दुरूद पाक पढ़ें और उसके बाद कुल शरीफ पढ़ लें, ठीक है। उसके अलावा एक दुरूद पाक ये जो है ना रिज़क में बरकत के लिए है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीन वल मुमिनाती वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। ये दुरूद पाक आप अपनी रूटीन में रख लें, कम से कम 100 दफ़ा एक आप रोज़ाना इसको पढ़ा करें, आपके रिज़्क में बरकत होना शुरू हो जाएगी। दूसरा काम आपने लास्ट क्या करना है कि माँ बाप के लिए दुआ करनी करनी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि जब तुम्हारे रिज़्क में कमी वाक़िया हो जाए तो गौर कर लेना कि कहीं तुमने माँ बाप के लिए दुआ करना बंद तो नहीं कर दी। अब हम क्या करते हैं, फलाने से पूछेंगे दोस्त से, यार तवीज़ लेना है, वो मेरा कारोबार जो है ना ठप हो गया, नौकरी चली गई है, तवीज़ बता दो कहाँ से, दुआ करा दो कहीं से, जो घर में पीरो मुर्शिद बैठे हैं पहले उनकी खिदमत तो कर लो, माँ बाप की जाके खिदमत करो, उनकी दुआएं लो, कारोबार भी चमक जाएंगे, नौकरियां बनी हैं, एक नहीं आपको हज़ारों नौकरियां मिलेंगी, माँ बाप की खिदमत किया करें, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा इशू है वो है जी हेल्थ इशूज़ की वजह से भी स्ट्रेस आता है। मिसाल के तौर पर आप बीमार हैं, डॉक्टर के पास गए, उसने टेस्ट वगैरह किया, पता लगा जनाब कोरोना निकला है, स्ट्रेस होगा कि नहीं, दो दिन पहले खबर पड़ी होगी 10 बंदे लुढ़क गए, अब देर में आएगा अगली बारी मेरी है, स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह बुखार हुआ, गए पता लगा डेंगू निकला है, वो भी पता लगा था 2 दिन पहले नाल वाला मलेदार मरिया सी। यानी बीमारियों की वजह से भी स्ट्रेस जो है ना आपकी लाइफ में आता है, इसके लिए बेहतर होता है कि आप अपनी डाइट का ख्याल रखा करें। सबसे पहले तो ये फास्ट फूड की जान छोड़े खुदा के लिए, यार इसने सबसे ज़्यादा बेहतर किया हुआ इस टाइम, फास्ट फूड बिल्कुल छोड़ दें और कोल्ड ड्रिंक से परहेज किया करें। मैंने तो अक्सर लोग देखे हैं वो जब तक खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक ना पी ले उन्होंने सुकून नहीं आता। हाँ मैंने देखे हमारे रिलेटिव्स कई ऐसे हैं, खाना खाएंगे जब तक बोतल ही ना पीनी तब तक उनका खाना नीचे नहीं उतरना, बोतल आप ही पीनी है, बोतल ना पिया करें, ये बोतलों से ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक से और जो फास्ट फूड्स हैं इनसे परहेज़ करें। कोशिश किया करें ऐसी चीज़ें यूज़ किया करें जिससे आपको विटामिन सी मिलता है, विटामिन सी जब आपकी बॉडी में ज़्यादा होता है ना उसकी वजह से फिर आपका स्ट्रेस कम होता है, ये स्ट्रेस के लेवल को कम करता है। जैसे आजकल सर्दियाँ हैं तो आप माल्टा यूज़ कर सकते हैं, उसमें विटामिन सी होता है, गर्मियाँ होंगी तो लीमू पानी वगैरह वो स्कंजवी वगैरह जो हम बनाते हैं ऐसी चीज़ें यूज़ करें, इससे क्या होगा आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा क्योंकि विटामिन सी आपकी बॉडी में एक जो है वो मुनासिब मकदार में होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपनी नींद पूरी किया करें, नींद का पूरा ना होना भी एक स्ट्रेस की बहुत बड़ी वजह है, और नींद जो है ना वो रात की ही नींद है, सुबह की नहीं है। हम लोगों के इधर उल्टा हिसाब किताब है, सारी रात सोशल मीडिया पे लगे ने तो सवेरे सो रहे ने, ये अंदरून में चले जाओ आप सारी रात दुकानें खुली रहती हैं और सुबह जनाब सारे सो रहे होते हैं, शामी फिर 5 बजे उठ के फिर दुकान खोल लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने रात जो है वो सोने के लिए बनाई है, दिन किस लिए बनाया है, काम करने के लिए बनाया, तो रात को सोए दिन को काम ही करे, उल्टे काम ना करे। अच्छा नेक्स्ट जो है जो स्ट्रेस हमें आता है वो गुनाहों की वजह से भी आता है, ठीक है ना। अब देखें आपने सुना होगा कि जब इंसान एक गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक स्याह धब्बा लग जाता है, और दूसरा गुनाह करता है दूसरा धब्बा लग जाता है, इसी तरह गुनाह करते 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 उसका दिल स्याह हो जाता है। तो जब दिल स्याह हो जाता है तो फिर क्या होता है, फिर अंदर का सुकून बर्बाद हो जाता है, जब अंदर का सुकून बर्बाद होता है फिर इंसान स्ट्रेस में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो गुनाहों से बचने का फिर क्या हल है, सबसे पहले तो आप तौबा करें ना, तौबा का आंसू इतनी प्यारी चीज़ है कि वो गिरता बाहर है लेकिन आपका अंदर साफ कर देता है।
तोबा, अब देखें ना तोबा की फजीलत देखें। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम तोबा करो तो तुम्हारे गुनाह जो है वो अल्लाह ताला नेकियों में बदल देता है। कितनी बड़ी बात है, देखें जितने आपने गुनाह किए होंगे सारे के सारे मुआफ़ हो गए और अल्लाह ताला उसको नेकियों में बदल देता है। तो गुनाहों की वजह से भी अच्छा चोर है, अगर आपको क्या लगता है चोर जब चोरी करने के लिए जाता है वो डुमके लगाता हुआ गाने गाता जा रहा होता है, स्ट्रेस में होता है ना, उसको पता था फड़े गए तो बढ़िया मैरी है। इसी तरह आप झूठ बोलते हैं अगर किसी से घर में तो फिर खौफ होता है ना कि यार अगर पता लग गया तो अच्छी तरह यानी अब्बा जी को, यानी गुनाहों की वजह से स्ट्रेस होता है, तो इससे आप बचें। अब एक लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, ये वैसे मैंने अपनी स्पीच में ऐड नहीं किया था, मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं सेक्रेटरीट में, वो मैंने पोस्टर लगाया ना जब ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के वाले से, तो उसका मुझे मैसेज आया, कहता यार मैं बड़ा परेशान हूँ, बड़े स्ट्रेस में हूँ। अब यहाँ तक मैं बताऊँ, आज मुझे उसका मैसेज आया, नाम नहीं मैं उसका लूँगा, कहता मैंने जॉब से रिज़ाइन करना है, और मुझे मेथड पूछा था कि क्या मेथड है, जो भी है सारा सूरत। अब वो मैं मतलब पॉइंट ये है कि मोहब्बत में नाकामी की वजह से स्ट्रेस। फिर जब उसने मुझे कहा ना, फिर मैंने ये सोचा कि यार कोई बात नहीं, ये पॉइंट वैसे है बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ना इसको डिस्कस करा था कल ये। कितने खुश हो सारे हैं, अब मतलब निकालते हूँ ना ये तारे। तो मोहब्बत में नाकामी की वजह से भी स्ट्रेस होता है। आपने सुना होगा ना, वो कहते हैं मोहब्बत ने निकम्मा कर दिया, वो मोहब्बत ने निकम्मा नहीं किया होता, वो मोहब्बत में नाकामी की वजह से जो स्ट्रेस आता है ना उसने आपको निकम्मा किया होता है। यानी ये भी, और इसमें ये कोई हंसने वाली बात नहीं है, रियलिटी है, आप सब यंग हैं, इस स्टेज से सारे गुजर जाते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, यानी आपकी लाइफ में ऐसी जो है वो मुश्किल आती रहती हैं। अच्छा, अब इसमें आपने किस तरह जो है वो इसको कैसे टैकल करना है, आपने मेरी बात हमेशा याद रखनी है कि अल्लाह पाक जिस चीज़ से आपको दूर कर देना तो आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और जिसके करीब कर दे तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है। जब बच्चा छोटा होता है वो कहता है मैंने आके पास जाना है, या किसी ऐसी चीज़ के पास जो उसके लिए नुकसानदायक होती है, तो माँ उसको पास जाने देती है नहीं जाने देती, रोता है बिल आता है जो मर्जी करता है, माँ जाने देती है नहीं जाने देती। तो जो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है वो आपको किस तरह गलत चीज़ की तरफ जाने दे सकता है। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि करीब है कि कोई चीज़ तुम्हें अपने लिए बुरी लगे लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और इसी तरह करीब है कि कोई चीज़ तुम्हें अपने लिए बेहतर लगे लेकिन वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। तो अल्लाह ताला बेहतर। अच्छा, इसी टॉपिक के हवाले से ना, ये तकरीबन हफ्ता पहले की बात है, एक स्टूडेंट मेरे पास आया, काफ़ी छुट्टियाँ करके आया, तो मैंने उसे पूछा क्या वजह इतनी छुट्टियाँ करके, बड़ा परेशान था बेचारा। तो वो मुझे कहता कि सर मेरी कहीं पे ना एंगेजमेंट हुई हुई थी, वो टूट गई है, उसकी वजह से मैं बड़ा परेशान हूँ, स्ट्रेस के अंदर हूँ। हंसना नहीं। तो फिर मैंने उससे वजह पूछी ना जब उसकी, तो फिर उसने मुझे बताया कि इस तरह मेरी मतलब रिलेटिव्स में ही हुई थी, लेकिन वो बाद में पता लगा कि वो लड़की किसी और को पसंद करती है, वो घर वालों को भी पता लग गया, पिक्चर्स वगैरह या मैसेजेस वगैरह सामने आ गए, इस तरह का मामला हुआ। तो बताने का मकसद यह, फिर मैंने उसको कहा कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, अगर शादी के बाद तुम्हें पता लगता कि वो किसी को पसंद करती है तो फिर ज़्यादा मसला होता कि कम होता, तो अल्लाह ने आपको दूर किया तो आपके लिए बेहतरी है। देखो अल्लाह ताला कुरान पाक में कह रहा है कि मैं जानता हूँ, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। तो जिस बाज़ का पता लग भी जाता है, जैसे देखे ना पता लग गया वो दूर हो गया, उसको सब्र भी आ जाएगा कि चलो यार कोई बात नहीं, ठीक है ना। और हाल ही ऐसे लड़कियों के केस में ताडे वाडे फनकार ही बड़े बड़े होंगे, ये नहीं समझना कि मैं लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूँ, ये दोनों साइड पे है, मैंने समझाने की, सिर्फ जो एक वाक्या हुआ वो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो बताने का मकसद ये है कि इस वजह से भी स्ट्रेस आपकी लाइफ में आता है, लेकिन आप लोगों ने अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना है, जिस चीज़ को अल्लाह आपसे दूर करे आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है, अगर किसी के करीब करता है तो। वैसे मेरा इस मामले में भला क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, देखिए अल्लाह पाक ने जहाँ पे आपका लिखा हुआ है वहीं होना ना, उससे कोई हटके तो नहीं हो सकता, अल्लाह ताला ने जोरे साहब के बना दिए ना, तो फिर वक्त से पहले मोहब्बत करने का क्या तुक बनता है, मुझे तो ये नहीं समझ आता। देखिए जिसके करीब आपको बड़े खुश हो गए, मैं सारा रहने में ही अलग पॉइंट डिस्कस कर लेता तो अल्लाह ताला जिसके करीब आपको कर देना तो आप समझ लें कि वही आपके लिए बेहतर चीज़ है, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर जानता है। इसका बेहतर हाल होता है जिससे आपकी शादी होती है, निकाह होता है, आप उससे मोहब्बत करें, इस तरह इंसान की फीलिंग्स वेस्ट हो जाती हैं। मैं आपको सही बताऊं तो हंसने वाली बात नहीं है, आप किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत कर बैठते जो आपके नसीब में ही नहीं है, बाद में वो जो आने वाला या आने वाली उसका क्या कसूर है, आपकी फीलिंग्स वेस्ट होती है ना। तो अल्लाह की, क्योंकि मेन पॉइंट जिस पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मिलना वही है जो अल्लाह ने लिखा हुआ है, उसे हट के तो नहीं मिलेगा, वही मिलना ना, तो फिर उसी से मोहब्बत कर लो। तो पहले किसी से मोहब्बत करोगे, बाद में मिल गया कोई और तो बस फिर हो गया काम, फिर सारा दिन स्ट्रेस में गुजारेंगे, दफ्तर ही बैठे रहा करोगे, कह रहे हो उतनी ठीक है मैं कहा नहीं आ रहा। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अपनी लाइफ में कुछ हमने चेंजेस लेके आनी है।
तो पहली हमने जो चेंज लेके आना, पहला चेंज वो ये है कि पॉजिटिविटी लेके आनी अपने अंदर। पॉजिटिव इंसान हमेशा पूर्व उम्मीद रहता है और नेगेटिव इंसान मायूस रहता है हमेशा, ठीक है ना। और मायूसी तो वैसे ही गुनाह है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है ना, ला तकना तू मिर रहमतिल्ला, कि मेरी रहमत से, अल्लाह फरमाता है कि मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो, मायूस ना हो, ठीक है ना। तो अब जो पॉजिटिविटी है वो आएगी कैसे, कौन बताएगा पॉजिटिविटी कैसे आएगी? पॉजिटिव लोगों के साथ बैठेंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, नेगेटिव लोगों के साथ बैठेंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। जब इंसान पॉजिटिव लोगों के साथ बैठता है ना, तो उसको हर चीज पॉजिटिव लगना शुरू हो जाती है, और जब नेगेटिव इंसानों के साथ बैठता है तो फिर उसको पॉजिटिव चीज, जो पॉसिबल चीज होती है ना, वो भी इम्पॉसिबल लगने लग जाती है। यानी जब आप पॉसिबल के साथ, वो पॉजिटिव के साथ बैठ रहे हैं तो आपको हर चीज पॉसिबल लग रही है, और जब आप किसके साथ बैठ रहे हैं तो फिर आपको पॉसिबल चीज भी इम्पॉसिबल लगना शुरू हो जाती है, और यहीं से आपका बेरागर होना शुरू हो जाता है। एक गांव था ना, वहां पे एक बंदा कुएं में गिर गया। अब दूसरा बंदा उसको बचाने के लिए गया, वो भी कुएं में गिर गया। अब तीसरा बंदा आया, वो भी कुएं में गिर गया। अब जब देखा तीन बंदे कुएं में गिर गए हैं, सारे गांव वाले जो हैं वो आगे इकट्ठे हो गए जनाब पास। अब उन्होंने देखा ना, जब उन्होंने नोट किया कि जो बंदा पास जाता है ना वो कुएं में गिर जाता है। अब सारे दूर खड़े हुए हैं, दूर खड़े होकर मोटिवेट कर रहे हैं, वो कोशिश कर आजा भाई, कोशिश कर आजा भाई। उनको पता है पास गए तो कुएं में गिर देंगे। अच्छा, इतने में ना एक बंदा जो बीच में था ना, कोशिश करता करता बेचारा हिम्मत हार गया, वो डूब गया। अब जैसे ही एक बंदा डूबा ना, तो सारों की टून बदल गई। अब सब ने ये कहना शुरू कर दिया, वो नहीं बचे, तू ही नहीं बचना। उन्होंने कहा आज से पहले भी जो इस कुएं में गिरा ना, वो कभी नहीं बचा। तो ये बातें सुन सुन के दूसरा भी गया। अब जो लास्ट वाला था ना, वो थोड़ी बहुत कोशिश करके हाथ पल्ला मार के बाहर आ गया। अब जैसे ही वो कुएं से बाहर आया, सारे गांव वाले उसके गिर्द इकट्ठे हो गए। जैसे ही इकट्ठे हुए, साथ मीडिया वाले भी आ गए। उन्होंने पूछा, सर आपने ये कैसे कर दिखाया? तो उसका आगे से क्या जवाब था? उसने कहा जी पता लगा वो बहरा था, उसने ये सुना ही नहीं कि मैं नहीं कर सकता। मेरी बात समझे? जब हम नेगेटिव लोगों के साथ बैठते हैं ना, फिर हमें हर चीज़ वो इम्पॉसिबल लगने लग जाती है। हम बेसिकली क्या होता है, नेगेटिव जो चीज़ें सुन सुन के ना अपनी जहन को तंग कर लेते हैं, फिर हमें ऐसे लगता है कि कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। वो आपको कहता है ये नहीं होना, इंजन नहीं होना, फिर आप भी कहते हैं वाकई ऐसे ही कह रहे हैं, इंजन नहीं होना। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है, बाद में अगला समझाने वाला सही समझा रहा होता है आपको, ये भी देख लेना कि सही गाड़ी का आ रहा है कि नहीं। अब देखिए ना, 35 साल एज हो गई, CSS शुरू कर दिया, बड़ा भाई आया, उसने आके कहा काका ओवर एज हो गए हैं, 35 साल एज नहीं होती CSS की, छाड़ कोई कारोबार कर ले, तू तो मेरा है ही दुश्मन, तू चाहते ही नहीं मैं अफसर बनूं। यानी यानी आपने ये जज, हाँ उसमें ये होता है कि आपने जब अपनी वो कोई भी कैरियर सेलेक्ट किया है, अगर आपने अच्छे से होमवर्क किया हुआ है, सारा होमवर्क करके आपने चूज करके अब आप अपने मंजिल पे चले हैं, तो फिर अगर कामयाब होना है तो खुद को बहरा कर ले, किसी की नहीं सुननी आपने, ठीक है ना। अगर तो आपने होमवर्क किया हुआ है। नेक्स्ट हमने क्या चेंज अपने लाइफ में लेके आना है, शेयरिंग करना सीखें। अब आपने अक्सर सुना होगा ये फिक्रा बड़ा आम सा है, कहते हैं यार तेरे ना गल करके दिल का बोझ बड़ा हल्का हो गया, सुना है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप शेयरिंग कहीं और ही करना शुरू कर दें। पता लगा रात को जैस पैकिंग चल रहे हैं, सारी रात शेयरिंग हो रही है, सामने कहा था शेयरिंग करनी है, फिर पता लगे अगले दिन बटवा भी शेयर हो गया, बैलेंस भी शेयर हो गया। शेयरिंग करने का मकसद है, इसलिए आपको सारा था क्या बोर भी ना हो, वैसे ही स्ट्रेस के वाले से है, तो स्ट्रेस जो है वो रिलीज होना चाहिए आपका। खत्म हो गया, दोबारा शुरू कर दीजिए। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शेयर करने से ना दिल का बोझ हल्का होता है। देखिए, इसमें आपने एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, शेयर करने वाले के बारे में ना आपकी सिलेक्शन सही होनी चाहिए। ये ना हो कि आप जिसके साथ शेयरिंग कर रहे हैं, जब आप उसको बताएं अपना कोई इशू, तो बाद में कि चंगा यार देना लेंजो यार, वो पहले इंतजार कर रहा था कि आपके साथ कुछ ऐसा हो। सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए, जो आपके सिंसियर है। किसी बहन भाई के साथ अगर आप मैरिड हैं तो अपनी वाइफ के साथ शेयर करें, सबसे अच्छी बात है, ठीक है ना। कोई अच्छा मुखलिस दोस्त है उसके साथ शेयर करें, ठीक हो गया। आपने आजकल सर्दियाँ हैं, देखा होगा गाड़ी के अंदर फोग आ जाती है शीशे के ऊपर, किसने देखा हुआ, शीशे में फोग आ जाती है ना। अब उस फोग को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम फैन चलाते हैं, ठीक है ना। जब बंदा स्ट्रेस में होता है ना, तो उसका दिमाग बिल्कुल इसी तरह धुंधला हो जाता है, जैसे फोग आती है ना शीशे के आगे। तो जो शेयरिंग है ना, वो फैन का काम करती है। मेरी बात समझ गया?
जब आप किसी के साथ शेयर करते हैं ना, तो वो आपके दिल के अंदर की और दिमाग के अंदर की सारी वो जो वापसी आई होती है ना, वो सारी धुंध हट जाती है, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो इसलिए शेयरिंग, जब भी आप टेंशन में हो किसी के साथ, मुखलिस इंसान के साथ आप शेयर कर लिया करें। नेक्स्ट आपने क्या करना है, कभी भी पॉलिटिकल और रिलीजियस बहस के अंदर नहीं पढ़ना। ये दो ऐसी बहसें हैं कि जिसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। अब कोई शिया सुन्नी अगर लड़ रहे हैं आपस में, वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने आप को सही, इसका कंक्लूजन निकलेगा? आपका क्या मतलब है 10 मिनट की बहस के साथ वो सुन्नी शिया हो रहे हैं, शिया जो है वो सुन्नी हो रहेगा? कभी भी नहीं होगा। अब उसका एंड नतीजा क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होगा, गाली गलौच होगी, एंड पे हाथापाई पे बात चलिएगी, एंड पे क्या आ गया? स्ट्रेस। वो पहुंचो क्या ना, स्ट्रेस नहीं है, ठीक है ना। तो आपने कभी भी जो है वो इन दो डिस्कशंस के अंदर नहीं पढ़ना। नेक्स्ट आपने क्या करना है, सब्र से काम लेना। देखिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाहा मा साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। हर चीज़ का हल सब्र है। आपने सब्र कर लिया तो फिर सारी जो मुश्किलात हैं वो वैसे ही सारी हल हो जाएंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपनी कंपनीज़ को बेहतर करना है। इंसान ना ज़्यादातर 3 कंपनीज़ में रहता है, जहाँ तो अपने घर में रहता है, ठीक है ना, बीवी बच्चों के साथ, या अनमैरिड रहता है, वालदैन के साथ रहता है, ठीक है, बहन भाई वगैरह होते हैं, या फिर ऑफिस में ज़्यादा वक्त गुजरता है, ऐसा ही है, या फिर तीसरा कहाँ गुजरता है, यारों दोस्तों के अंदर गुजरता है। ये बेसिकली मैं आपको इसलिए कंपनी बेहतर करने का कह रहा हूँ क्योंकि आपका स्ट्रेस जो है ना वो शिफ्ट होता रहता है। आप घर में थे, घर में कोई इशू हुआ, स्ट्रेस में थे, आप सुबह उठ के ऑफिस चले गए, अब स्ट्रेस साथ ले गए, वहाँ पर आके प्रॉब्लम होगी ना। अगर अब मामला आगे बेहतर नहीं होंगे तो कंपनी बेहतर नहीं होगी, तो ऑफिस में भी अगर कोई लड़ाई झगड़ा किसी कुलीग से हो गया, आप घर आ गए, स्ट्रेस साथ घर आ गया, घर से कोई इशू हुआ दोस्त के पास चले गए, स्ट्रेस साथ चला गया, यानी ये आपके साथ ही घूमता रहता है स्ट्रेस। अब अच्छी कंपनी का, और अच्छी कंपनी होगी कैसी आपकी, कैसे होगी? अगर तो आपका इखलाक अच्छा होगा, और दूसरा अगर आप लोगों को रिस्पेक्ट देते होंगे, ये दो काम आप करेंगे तो आपकी लाइफ खुशगवार हो जाएगी। आप जहाँ पे रहेंगे लोग आपको वेलकम करेंगे। अगर आप घर जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपनी वाइफ को नौकर समझते हैं, जाके बैठ जाते हैं, हुक्म चलाना शुरू कर देते हैं, तो वो क्या आपके घर आने से खुश होगी? वो तो कहेगी उतें ही रहे तो चंगा ही है, दफ्तर ही घर ना ही आवे, ठीक है ना। दोस्त आपको कोई मुश्किल हो, फ़ोन करता है, तो आप जनाब उसका वो फ़ोन डायरेक्ट पे लगा देते हैं, उसका नंबर ब्लॉक पे लगा देते हैं, तो आप क्या मतलब मुश्किल में जाएंगे, वो आपको वेलकम सलूट करेगा, वो कहेगा कल आया सी फिर आज आ गया। होता है ऐसा कि नहीं होता? ऑफिस में अगर आप जाते हैं सुबह, आप जाके बैठते, क्लर्क फाइल लेके आ जाता है, कहता सर ये मेरे किसी जानने वाले बंदे की फाइल है, ये काइंडली ज़रा जल्दी निकाल दें। आप कहते हैं हूने तो आके बैठा, बेहद नहीं पिया, साल है पानी बात कर देना। तो आपका क्या मतलब है, जब आप घर से स्ट्रेस में रहेंगे वो आगे सलूट मरेगा आगे आपको, और जा जाके बड़ा बैस मामा खाना खराब दे रहा। और इसके अच्छा, इसके बरक्स अगर आप ऑफिस में जाते हैं, क्लर्क फाइल लेके आता है आपके पास, वो कहता है कि ये मेरे जानने वाली फाइल है, काइंडली ये निकाल दें जल्दी। आप उसको कहते हैं यार इधर मेरे साथ बैठ, चाचा जी को बुलाते हैं, नाइब वासी को कहते हैं चाचा जी ये पैसे पकड़े, चाय लेके आए, अपने लिए भी बनाए, मेरे लिए भी बनाए, भाई के लिए भी बनाए, बैठ के चाय पीते हैं, फिर उसको कहते हैं अब बता यार तेरा क्या काम है, मैं भी निकाल देता हूँ। तो आप जब भी ऑफिस में जाएंगे आपको आगे से वेलकम होगा कि नहीं होगा? अगर आप घर से टेंशन में जाते हैं, ऑफिस जाएंगे, सारे आपको वेलकम करेंगे, आपके साथ अच्छे से पेश आएंगे, आपका स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों में रहेंगे, सारे खुश होंगे आपके आने से, ठीक है ना, हमारा दोस्त आया, जिगरी आ रहा है, ठीक है ना, ये नहीं कहेंगे कि कल भी आया था फिर आ गया, ठीक है। तो ये शिफ्ट होता है, बेसिकली बताने का मकसद ये है कि ये शिफ्ट होता है आपके साथ साथ। कंपनी अच्छी होगी तो आपकी लाइफ में सुकून रहेगा, जहाँ पे भी एक जगह से स्ट्रेस होगा, दूसरी जगह रहेंगे आगे से अच्छा माहौल मिलेगा, स्ट्रेस कम होना शुरू होगा। लास्ट पे आपने कुछ मेरी बातें याद रखनी है, जब भी आप स्ट्रेस में हो ना, तो आपने कुछ फिक्रें हैं, मैंने लिखे भी हुए हैं, बेशक आप ये मुझसे ले लीजिएगा, इसको नोट आपने अपने पास कर लेना। जब आप स्ट्रेस में हो, परेशानी में हो ना, तो आपने ये चीज़ बार बार अपने माइंड में रिपीट करनी है कि मेरी मुसीबत भरी है या अल्लाह की रहमत भरी है। ये बात समझ गए हैं? और अल्लाह ताला ने ना आपका माइंड बहुत अच्छा बनाया हुआ है। आप जब कभी गौर कीजिएगा, आप आंखें बंद करके अपने माइंड से सवाल पूछें, आपको जवाब मिलेगा। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव रिप्लाई मिलेगा। जब आप मुश्किल में होंगे और आप अपने माइंड से पूछेंगे कि भाई मेरी मुसीबत भरी है या अल्लाह की रहमत भरी है, तो आपको जवाब मिलेगा कि अल्लाह की रहमत भरी है। और अल्लाह तो पहले ही फरमा रहा है कि अल्लाह की मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो। तो जब आपको पता होगा कि अल्लाह की रहमत मेरे साथ है, तो आपको हौसला होगा, आपका स्ट्रेस जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट जो फिक्र आपने याद रखना है कि अल्लाह ताला आजमाता ज़रूर है, मुश्किल में डालता ज़रूर है, लेकिन अकेला नहीं छोड़ता। वो आपको मुश्किल में डालेगा, आजमाएगा आपको, आजमाइश सख्त लेगा आपसे, लेकिन अकेला नहीं छोड़ेगा आपको। अच्छा, अब कैसे पता लगता है कि अल्लाह ताला ने हमें अकेला नहीं छोड़ा हुआ, अल्लाह हमारे साथ है? आप मेरी एक बात याद रखिएगा, कभी भी जो अल्लाह इंसान को तकलीफ़ देता है, आपका क्या मतलब है, इंसान की इतनी औकात है कि इंसान उस तकलीफ़ को बर्दाश्त कर सके?
कर सकता है? किसकी औकात है कि अल्लाह तकलीफ दे तो मैं तुमको कि ना बर्दाश्त कर दूंगा? नहीं कर सकते। वो अल्लाह की मदद ही होती है तुम्हारे साथ, अल्लाह की रहमत होती है जिसकी वजह से तुम उस स्ट्रेस को, उस तकलीफ को बर्दाश्त कर रहे होते हो, उसी की वजह से। वो आपकी, अल्लाह की जो सपोर्ट आपके साथ लगी होती है ना, और अल्लाह ताला तो कुरान पाक में एक जगह फरमाता भी है कि अल्लाह ताला इंसान पे उतना ही बोझ डालता है जितना वो बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है ना। तो एक तो बोझ उतना आप पे डालेगा जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो, आपकी बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं डालेगा बोझ अल्लाह ताला आपके ऊपर। आपने देखा, अब देखो अंबिया को देख लें, उनके ऊपर कितनी आजमाइशें आई थी, हमारे ऊपर इतनी है? जिनकी आजमाइश बढ़ी है उनके रुतबे भी उतने बड़े हैं। तो जितनी जिसकी इस्तात है, जितना कोई बर्दाश्त कर सकता है ना, अल्लाह ताला उसको उतनी ही तकलीफ देता है। और फिर तकलीफ जितनी उसकी इस्तात के मुताबिक देता है ना, फिर उसको बर्दाश्त करने की भी तौफीक अल्लाह ही देता है। ये नहीं आप कह सकते कि अल्लाह ने मेरी इस्तात के मुताबिक मुझे दे दिया, बर्दाश्त मैं नहीं करनी है। अल्लाह की तौफीक के बगैर आप उसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। और दूसरा आपने याद रखना है, कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। अगर आप आज मुश्किल में, आज मुश्किल वक्त है, स्ट्रेस है, कोई परेशानी आ गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि वक्त की खासियत ये है ना, अच्छा हो या बुरा हो एक जैसा नहीं रहता कभी भी। कभी आपने देखा फ्लो में एक जैसी एक ही फ्लो में लाइफ चल रही है? ऐसा नहीं होता। खुशी भी आती है, गमी भी आती है। यही लाइफ, यही ज़िंदगी का हुसन है। खुशी भी साथ साथ है और गमी भी आपके साथ साथ है। अब आप देखें ना, एक बल्कि मुझे हदीस पाक यहाँ पे याद आती है, जब आप स्ट्रेस में हो, आपने ये भी हदीस पाक याद रखनी है। दो मैं आपको बताता हूँ। एक तो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है कि ये दुनिया मुसलमान के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। अब आप मुझे बताएं कैद खाने में क्या होता है? कभी रोटी दो टाइम मिलेगी, कभी नहीं भी मिलेगी, कभी अंधेरा होगा, तीन तीन दिन भी हो सकता है अंधेरा रहे, रोशनी हो ही ना, यानी मुश्किलात होती है ना। तो आपने तो पहले ही फरमा दिया मुसलमान, लेकिन उसके आखिरत में सबक मिलता, उसको उसका अजर मिलता है ना आखिरत में जाके। तो आप जब भी स्ट्रेस में, आपने सोचना कि यार ये तो कैद खाना है दुनिया, मैं यहाँ पर आजमाइश से गुजर रहा हूँ, तो आखिरत में जो है अल्लाह ताला मुझे इसका सिला देगा। इससे भी, इस फिक्रे से भी आपको काफ़ी हद तक मोटिवेशन मिलेगी, आप स्ट्रेस से जो है वो बाहर निकलने में आपको आसानी होगी। नेक्स्ट जो आपने याद रखना है, एक हदीस पाक के मुसलमान को सुई भी चुभे ना छोटी सी, तो अल्लाह ताला उसके बदले में भी मुसलमान के गुनाह माफ़ फरमाता है। तो जितनी बड़ी मुसीबत होगी आपके ऊपर, उतने आप गुनाहों से पाक होना शुरू हो जाएंगे कि नहीं होंगे? अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अंबिया की अगर आप आजमाइशें देख लेना, तो मैं कहता हूँ हमारी तो कुछ भी नहीं है यार, हम तो छोटी सी भी तकलीफ है ना, बिलबिला उठते हैं, रोना शुरू कर देते हैं हम। और जब हम अंबिया की ज़िंदगी उठा के देखें, हमें पता लगे हमने तो कुछ बर्दाश्त नहीं किया। हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक रात मैं सोया, इशा के बाद नमाज पढ़ के सो गया, गुसल वाजिब हो गया मेरे ऊपर, मैं उठा और मैंने ठंडी नहर के अंदर जाके जो है नहा के गुसल किया, फिर सोया, फिर गुसल वाजिब हुआ, फिर मैंने गुसल किया। इसी तरह करते करते आप कहते 40 दफ़ा मैंने उठ के ठंडे पानी से गुसल किया। कहते इस तरह अल्लाह ताला ने मुझे आजमाया कि 40 दफ़ा गुसल वाजिब हुआ और 40 दफ़ा मैंने गुसल किया। हम पे एक गुसल वाजिब हो जाता तो हम नमाज अदा कर देते हैं। फिर उनका रुतबा भी देखें ना, अगर इतनी मुसीबतें, इतनी आजमाइशें थी, तो फिर उनके रुतबे भी देखें। तो आपने जब भी मुश्किल में होंगे तो ये बात याद रखनी है कि आजमाइश अल्लाह की तरफ से होती है, और जो जितनी कठिन आजमाइश से गुजरेगा ना, उसका रुतबा भी उतना ही बुलंद होगा। लास्ट में मैं एक फिक्रा आपको कह के इस सेशन को क्लोज करूंगा कि ये आम रूटीन में आपने अपने इर्द गिर्द लोगों में ही देखा होगा कि कोई किसी को मुश्किल में देखे ना, जैसे मैंने अभी पहले भी की ये जिक्र किया, तो हम लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, कोई स्ट्रेस में होना कहते हैं चंगा होया देना रहने दो या। तो वो उस हदीस पाक को ना भूलें। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम अपने मुसलमान भाई को तकलीफ में देखो और उसका मजाक उड़ाओ, उस पर हंसो, तो अल्लाह ताला उससे उस तकलीफ को दूर करके तुम्हें उस तकलीफ में मुबतला कर देगा। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।